चाहे आप उस कैटेगरी में हो जो अपना ऑथेंटिक काम करते हो और आप जेन्युइनली आपको लगता है कि आपका लाइफ पर्पस है कि आप इस तरह की सेल्फ अवेयरनेस क्योंकि आपके अंदर है आप लोगों से जेन्युइनली शेयर कर सकते हैं, या फिर आप उस कैटेगरी में आते हैं कि आप अपना तो भला कर नहीं पाते हैं लेकिन आप जग का भला करने में सबसे पहले होते हैं सो कॉल्ड, या जग को एडवाइस देने में बाकी लोगों में क्या गलतियां चल रही है कैसे करना चाहिए क्या नहीं वो बताने में सबसे आगे होते हैं। कर्म नहीं सुधार सकते आप, उनके कार्मिक लेसंस उनके लिए नहीं सीख सकते, आप उनको रेस्क्यू नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक्चुअली खुद को ही रेस्क्यू करना नहीं चाहते हैं। कि वो हईशा हईशा तो बोले जा रहे हैं आपके साथ लेकिन अगर आप देख रहे हैं नजर डालकर तो दम सिर्फ और सिर्फ आप ही लगा रहे हैं, वो दम नहीं लगा रहे, दम सिर्फ आप ही लगा रहे हैं, वो सिर्फ कोरस में शायद हईशा बोल रहे हैं। एक कहावत है हिंदी की, काफी मशहूर है, तो आप सभी ने सुनी होगी, मुझे कोई डाउट नहीं है। कहते हैं ना, आप घोड़े को पानी तक ले जा तो सकते हैं लेकिन उसे पानी पिला नहीं सकते। लेकिन मेरा तजुर्बा तो इस कहावत को भी एक स्टेप और आगे ले जाता है। वो अनडाउटेडली कहता है कि आप किसी घोड़े को बार बार पानी तक ले जा भी नहीं सकते। अगर आप ऐसा बार 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 करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आप अपना ही खुद का गधा बना रहे हैं, और अगर आप बार बार ऐसा कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो खुद ही थम कर रुक कर खुद ही से पूछने की जरूरत है कि क्या इस घोड़े को पानी पीना भी है। क्योंकि अक्सर यही होता है जब हम जरूरत से ज्यादा जग का भला करने निकलते हैं ना, तो हम ये भूल जाते हैं ऑफन कि क्या जिसका भला करने हम निकले हैं उसे वो भलाई चाहिए भी, क्या उसको अपनी उस भलाई में अपनी उस बेहतरी में अपनी उस तरक्की में उतना इंटरेस्ट भी है, उसका 1/10 भी इंटरेस्ट है जितना शायद हम इंटरेस्ट उसमें ले रहे हैं, क्या उसका 1/10 एफर्ट भी वो इंसान खुद के लिए अपनी बेहतरी के लिए अपनी ग्रोथ के लिए लगा रहा है। वहीं आपको आपका जवाब मिल जाएगा, और ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम है ये इशू डिस्कस करने का। होते हैं बहुत सारे मिक्सचर्स हैं लेकिन ब्रॉडली ज्यादातर दो कैटेगरीज में अधिकतर लोग आते हैं। बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो आदत से मजबूर होते हैं, उनको जग भलाई का शौक होता है, सो कॉल्ड सोशल सर्विस का मिसगाइडेड सेंस ऑफ गुडनेस जिसे बोलते हैं ना, जिसे मैं फेक गुडनेस भी बोलती हूँ। अब जरूरी नहीं है इन सबको ये मालूम होता हो कि जो गुडनेस वो सो कॉल्ड करते हैं बार बार या कोशिश करते हैं करने की वो फेक है, वो मिसगाइडेड है, वो ऑथेंटिक नहीं है, वो ऑथेंटिसिटी से नहीं आ रही है। लेकिन ज्यादातर वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो खुद अनहील्ड होते हैं, वो खुद अपने अंदर अपने अनहील्ड पार्ट्स या शैडो पार्ट्स को देखना नहीं चाहते, उन्हें देखने की काबिलियत नहीं रखते हैं, एनर्जी नहीं रखते हैं, या फिर भागना चाहते हैं, खुद को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपने से आंख मिलाकर खुद पे काम, खुद की ग्रोथ पर, खुद की स्पिरिचुअल एवोल्यूशन पर काम नहीं करना चाहते हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है ऐसे इंसान के लिए कि वो बाहर दूसरों की मदद करने में या दूसरों को एडवाइस देने में या दूसरों को रिकमेंडेशंस या सजेशंस देने में अपना समय लगाता है, क्योंकि वहां से उसको वैलिडेशन मिलती है, ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं, वहां से उसका जो आय का सेंस है ना कि मैंने ये किया वो और बड़ा भी होता है, तो बहुत कुछ रिवॉर्ड्स वहां से बाहर से मिलते हैं। और ये अक्सर कोडिपेंडेंट जो लोग होते हैं अक्सर वो तो बहुत यही करते हैं, उनकी जिंदगी इस सो कॉल्ड गुडनेस आउटर गुडनेस के ऊपर ही निर्भर होती है। तो ऐसे लोग बार 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 अपना समय, वो समय जो कीमती वक्त उन्हें खुद के ऊपर लगाना चाहिए अपने अंदर झांकने के लिए कि हमारे अंदर क्या कमी है जिसकी पूर्ति करने के लिए हम सारे जग में सो कॉल्ड भलाई करते फिरते हैं, बाकियों के लोगों की जिंदगी में इंटरफेयर करते हैं, बाकियों को सजेशंस देते हैं, बाकियों के लिए हम मैनेजमेंट टीम बन जाते हैं, तो क्या हमारे अंदर कमी है जो हम अपने अंदर नहीं देख पा रहे कि हमारे अंदर जो हमें पूर्ति करनी है वो हम देखना अवॉइड कर रहे हैं, डर रहे हैं, भाग रहे हैं, उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं, और हम लोगों में कुछ ना कुछ पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अपने अंदर देखना अवॉइड कर सकें। एक्चुअली तो हमें खुद को ही देखना है, एक ही जने को देखना है जो हम खुद हैं।
वो ना करके हम बाकी सारी दुनिया की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मदद करने की एक्चुअली हमारे अंदर मैच्योरिटी नहीं है, समझ ही नहीं है, हमारे में पहले उतनी काबिलियत ही नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, और मैं तो बार बार कहती हूँ अपने वीडियोस में, कि जो इंसान खुद को ही नहीं देख सकता वो दूसरों को क्या देखेगा। जो खुद के ही अनहील्ड सेल्फ को, अपनी शैडो साइड को देख नहीं सकता, उसे परिचित नहीं है, वो लोगों के अवगुणों से क्या परिचित होगा, लोगों को क्या बेहतरी की एडवाइस देगा, उसमें क्या क्षमता बाकी किसी और का भला करने की। और दूसरे जो कैटेगरी के लोग होते हैं, दूसरी तरह के होते हैं, वो उस तरह के होते हैं जो खुद पे काम करते हैं। क्योंकि वो खुद पे काम करते हैं, इतना काम करते हैं, इतना अंदर जाते हैं, इनर वर्क करते हैं, शैडो वर्क करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस बहुत डेवलप्ड होती है, हाइटेंड होती है, तो इसलिए वो बहुत आराम से इंट्यूटिवली द वे दे आर, वो परख पाते हैं किसी को देखते ही, किसी से थोड़ा सा इंटरेक्शन करके ही उनको सेंस हो जाता है, भाप पाते हैं कि इस इंसान में क्या कमी है जिसकी वजह से ये तकलीफ में है। वो लेजर शार्प कोर से पकड़ पाते हैं कि ये एक मेन एसेंस है, बाकी सारी चीजें हटा दो, जो धुंधली चीजें ऊपर से हटा दो, कोर तक जाके ये एक चीज है या ये दो चीजें हैं जो ये इंसान अगर अपनी जिंदगी में समझ जाए तो बाकी सब इसी चीज के ताने बाने हैं, इस इंसान की जिंदगी सवर जाएगी। और वो उस कंपैशन में और उस जेन्युइननेस में लोगों को मदद करने की कोशिश करते हैं, और उनमें ये काबिलियत होती भी है, ये कैपेसिटी होती भी है, तो वो मदद करने की कोशिश करते हैं, रास्ते दिखाते हैं, क्योंकि वो रास्ते पे खुद भी चले होते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद के लिए भी वो चीजें की होती हैं, इसलिए वो उस ऑथेंटिक ग्राउंड से वही चीजें लोगों को गाइड करने की कोशिश करते हैं जो उनके फर्स्ट हैंड लेसन्स हैं, जो फर्स्ट हैंड चीजें वो खुद करते हैं, तो वहां से वो गाइडेंस शेयर करने की कोशिश करते हैं कि दूसरों का भी भला हो जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि सबको ये चीज आनी चाहिए, उनमें एक तड़प होती है कि सब में ये अवेयरनेस होनी चाहिए, लोग इतना विक्टिमहुड में क्यों रहते हैं, अरे ये चीज तो ये कर सकते हैं, अगर ये बीमार रहते हैं बार बार तो अरे वो वेलनेस पे फोकस कर सकते हैं डिसीज पे फोकस करने के बजाय, अगर वो विक्टिमहुड की स्टेट में रहते हैं तो अरे वो अपनी पावर वापस ले सकते हैं, पावर देते क्यों है, तो इस तरह से बहुत सारी चीजों में वो जेन्युइनली सिंसियरिटी से उनकी इंटेंशन होती है कि वो गाइड कर पाए। तो लेकिन जब बार 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 वो ओवर द इयर्स ऐसा करने की कोशिश करते हैं, ऐसा करते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, उनमें से कुछ लोग तो जेन्युइनली उनकी बात समझ भी पाते हैं, अपने ऊपर कुछ चेंज इंप्लीमेंट कर भी लेते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को बहुत खुशी होती है कि देखो किसी का जेन्युइनली भला हुआ, क्योंकि उस इंसान में खुद भी कमिटमेंट थी, खुद भी वो दर्द था, उसमें खुद भी वो तीव्र इच्छा थी कि हाँ मेरा भला हो, बस थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत थी, वो क्योंकि मेरी थोड़ी कैपेसिटी थी इसलिए मैंने गाइडेंस दे दी और उस इंसान का भला हो गया, क्योंकि उसने वो गाइडेंस का बहुत फ्रूटफुल यूज किया। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे जो आपका सिर्फ समय बर्बाद करेंगे, शायद वो कॉन्शियसली ये बात नहीं जान रहे, शायद वो कॉन्शियसली खुद भी समझ रहे हैं जब आपको आप गाइडेंस देते हैं कि हाँ उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन ओवर द टाइम क्या होता है, वो चीज ग्रांटेड होने लग जाती है। आपका समय, आपका एफर्ट, आप जो इतना पैशनेटली कोई चीज बताते हैं, शेयर करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं, अपनी इंट्यूटिव इंसाइट्स देते हैं, वो एक पॉइंट के बाद ग्रांटेड हो जाती है, और धीरे 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 आप लाइफ में ये समझने लगते हैं बहुत सारे लोगों के साथ कि अरे लोग हील्ड नहीं हुए हैं, वो हील्ड इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि शायद उन्हें हील्ड होना ही नहीं है, उन्हें वो चीज, जो भी चीज उनकी लाइफ में सबसे बड़ा उनको स्टैग्नेंट रख रही है, उनको लेसन्स, उनके लेसन्स को अनलर्न रख रही है, उन्हें एक स्पॉट में स्टक रख रही है, उनको वही लूप में बार बार रख रही है, वो चीज सिर्फ और सिर्फ वही है कि उन्हें चेंज होना ही नहीं है। आपको लगता है ना कि अरे बस बताने की देर है, बस आपका इंटरेस्ट लेने की देर है, आप पैशनेटली बताएंगे कि नहीं ऐसा पॉसिबल है, मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे, तो उन्हें समझ आएगा कि हाँ ये पॉसिबल है, लेकिन फिर आप धीरे धीरे रियलाइज करने लगते हैं कि ये इंसान अगर चेंज नहीं हो रहा है तो ये वो उस डिप्रेशन में नहीं थे कि हम चेंज होना चाहते हैं और अरे हम चेंज नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास कोई पावर ही नहीं है। अधिकतर लोग वो होते हैं जिन्हें एक्चुअली चेंज होना ही नहीं होता है, और ये ऐसी सच्चाई है जो ज्यादातर वो लोग खुद से भी जिस पे पर्दा किए होते हैं। और चेंज क्यों नहीं होना है, क्योंकि सबसे मुश्किल काम तो वही है ना, अपने चेंज के लिए काम करना, वही तो सारा काम है, वही तो सारी मेहनत है, वही तो सारी लगन है, वही तो सारा डिस्कम्फर्ट है, वही तो कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, वही तो अननोन में चलना पड़ता है,
वहीं तो अंधेरे का सामना करना पड़ता है, वहीं तो फेमिलियर जो कंफर्ट जोन्स होते हैं, जो टॉक्सिक होते हैं या जो अनहील्ड पैटर्न्स होते हैं, लेकिन जिनसे आप इतने यूज्ड हो जाते हैं कि आपको प्यारे लगते हैं, वहीं तो वो तोड़ने पड़ते हैं। वहीं तो जो चीजें जो आपको अनफेमिलियर लगती हैं, जो आपको तंग करती हैं, जो आपको डराती हैं, वहीं तो उनसे डील करना पड़ता है। तो ये काम होता है, इसमें करेज लगता है, इसमें स्ट्रेंथ लगती है, इसमें आपको पास्ट से ब्रेक करना पड़ता है, इसमें आपको कोई नया इंसान बनना पड़ता है। जो डिस्पेंसर के टीचिंग्स के बारे में मैंने शेयर किया था ना, उनकी मेडिटेशंस में वो किस तरह से चेंज करवाते हैं, तो चीजें वही हैं, उसमें सब कुछ नया नहीं है। लेकिन ये मैं इस समय इसलिए शेयर करना चाहती हूँ, चाहे आप उस कैटेगरी में हो जो अपना ऑथेंटिक काम करते हो और आप जेन्युइनली आपको लगता है कि आपका लाइफ पर्पस है कि आप इस तरह की सेल्फ अवेयरनेस क्योंकि आपके अंदर है, आप लोगों से जेन्युइनली शेयर कर सकते हैं, या फिर आप उस कैटेगरी में आते हैं कि आप अपना तो भला कर नहीं पाते हैं लेकिन आप जग का भला करने में सबसे पहले होते हैं सो कॉल्ड, या जग को एडवाइस देने में, बाकी लोगों में क्या गलतियां चल रही है, कैसे करना चाहिए क्या नहीं, वो बताने में सबसे आगे होते हैं। तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, इस समय जान लीजिए, जैसे मैं बार बार बोल चुकी हूँ, इस समय कर्मा जो है बहुत फास्ट हो गया, कार्मिक लेसन बढ़ बढ़ के तेजी से आ रहे हैं, क्योंकि अर्थ ने बहुत समय दे दिया है, बहुत समय बेचारी तड़पती हुई अर्थ ने आपको, इयर्स आफ्टर इयर्स, सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरीज, पीढ़ियों पे पीढ़ियां आ गई और चली गई, लेकिन लोग अपने कार्मिक लेसन में लटके रहे क्योंकि वो भूल गए कि हम यहाँ कार्मिक लेसन को ट्रांसेंड करने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए आ रहे हैं। बार बार उन्हें लगा यहाँ पे पहुंचो, मजे करो, डिस्ट्रैक्ट करो, दुख आए तो भाग भाग जाओ, चिल्लाओ, पीड़ित हो, वापस सुख आ जाए तो वापस भूल जाओ, कि अर्थ तो बस प्लेग्राउंड है, यहाँ पे हमें बार बार आना है, ये सब करना है और वापस चले जाना और फिर आ जाना है। तो अब अर्थ हैज गॉट टायर्ड ऑफ दिस नॉनसेंस, इसलिए आप तैयार हैं या नहीं तैयार हैं, अब आपको अपने कर्मा पे फोकस करना पड़ेगा। आप दूसरों के कर्मा पे फोकस कर करके अपना गेम प्लान आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, आपको खुद को देखना पड़ेगा। तो आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, प्लीज, दिस इज नॉट टू से कि आपको लोगों की जेन्युइन हेल्प करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन कहने का मतलब सिर्फ यही है, बड़ा बड़ा मैसेज जो बार बार आ रहा है एक बॉम्बार्डमेंट की तरह, कि प्लीज वहीं अपने एफर्ट और एनर्जी लगाइए जहां पर लोग आपको लगे उनकी जेन्युइन खुद की प्यास है चेंज होने की, खुद वो पीड़ित इतने हैं, खुद उनको चेंज वैसे चाहिए जैसे जल के बाहर मछली को जल चाहिए होता है। अगर आपको उस तरह की उनकी खुद की प्यास लगे, खुद की कमिटमेंट लगे, तब तो आप हेल्प करें भी, अगर आप में पहले खुद काबिलियत है। ऐसे नहीं कि आप खुद तो अपनी लाइफ में सब कुछ अनहील्ड छोड़ के बैठे हुए हैं, बाईपासिंग कर रहे हैं, लेकिन बाकियों के लिए आप जंप कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा ये टेंडेंसी होती है कोडिपेंडेंस की, सबसे आगे इन कामों में कोडिपेंडेंस होते हैं, उनकी जिंदगी चलती ही ऐसे कि खुद कितने अनहील्ड हैं कोर से ये तो देखना ही नहीं है, लेकिन सारे जग में जाके सो कॉल्ड सोशल वर्क करना है, बाकी सबकी लाइफ आपको मैनेज करनी है, उसमें इंटरफेयर करना है, उनके डिसीजंस क्या होने चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सब कुछ सबके लिए आपने अपने आप को सब चीजों में जाके बीच में फिक्स कर देना है। दूसरों के पीछे इतना नहीं लग जाना मदद करने की कोशिश में, खासकर उन लोगों पे जहां पे आपकी हेल्प, आपकी सलाह, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका एफर्ट व्यर्थ है। आप उनके कार्मिक लेसन्स में इंटैंगल्ड नहीं हो सकते हैं, आपको अपना कर्मा क्लीन करना है। जितना आप ऐसे लोगों के कार्मिक लेसन्स में फंसते जाएंगे, उतना आप अपना जो कार्मिक क्लेंजिंग है डिलीट करते जाएंगे। यू डू नॉट हैव टू टेक ओवर द कार्मा ऑफ अदर्स। और ऐसा होता है जब बार 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 आप लोगों की लाइफ में उन्हें सुधारने के चक्कर में सब कुछ बाकी भुला देते हैं। क्लूज देखें कि क्या उस इंसान को खुद से इंटरेस्ट है, क्या वो इंसान पिछले 4 साल में चेंज हुआ है, पिछले 10 साल में चेंज हुआ है, क्या वाकई आपको लगता है कि कोई इंसान जिसको सच में सिर्फ एक मोटिवेशन की जरूरत थी, सिर्फ एक इंस्पिरेशन की जरूरत थी कि हाँ उसकी जिंदगी बदल सकती है, और आपने आके वो इंस्पिरेशन दे दी, तो क्या आपको लगता है ऐसा इंसान चेंज नहीं होगा जिसकी इतनी तड़प हो? वही इंसान स्टक रहता है, वही इंसान अनचेंज रहता है, वही इंसान के साथ आपका वक्त, समय, एनर्जी, स्किल जो भी आप कर रहे हैं उनके लिए, हीलिंग भी कर रहे हैं, तो सब बर्बाद होता है, जिसको खुद जेन्युइनली चेंज होना ही नहीं है क्योंकि उसको वो सब काम करना ही नहीं है, उसको तो बस एक रेस्क्यूअर चाहिए बार बार, और आप वो रेस्क्यूअर बन जाते हैं। आप बार बार उस इंसान की तरह बन जाते हैं जो घोड़े को पानी तक ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि क्या इस घोड़े को पानी पीना भी है, या आप वैसे ही उसको खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, डे आफ्टर डे आफ्टर डे नहीं है। तो अब समय आ गया है
इन तरह के लोगों को पहचानने का और अपने कर्म को उनसे डिटैच करने का। आप उनके लिए उनका कर्म नहीं सुधार सकते, आप उनके कार्मिक लेसन्स उनके लिए नहीं सीख सकते, आप उनको रेस्क्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली खुद को ही रेस्क्यू करना नहीं चाहते हैं। अगर ऐसा करते रहेंगे तो घोड़े का तो जो होगा सो होगा, लेकिन आप का गधा जरूर बनता जाएगा।